स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोवाइज पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रिलायंस कैपिटल का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस था उसमें दो बिडर था और टोरेंट पावर जिसने हिंदुजा ग्रुप से कम अमाउंट ऑफर किया था रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए, उसको लेके जो अपडेट था या फिर डिसीजन था वो होने वाला था 3 जून को, जो कि अभी हुआ है और उसको लेके एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है। तो रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बहुत सारे ऐसे बोल सकते कि बिडर सामने आए थे और फाइनल में जो नाम आया था सामने या फिर फाइनल में जो विनर बना था वो था टोरेंट पावर। टोरेंट पावर फिर भी जो है रेस से बाहर लग रहा है, कंट्रोल उदय निकलेगा। इसके पीछे ये रीजन है कि हिंदुजा ग्रुप ने दोस्तों जितना बड़ा अमाउंट ऑफर किया है उसको लेके सीओसी रिलायंस कैपिटल का भी सोच में पड़ गया है कि किसको ये रिलायंस कैपिटल बेचा जाए, हिंदुजा ग्रुप या फिर टोरेंट पावर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या अपडेट है रिलायंस पावर को लेके, टोरेंट ग्रुप को लेके, या फिर माफ कीजिए रिलायंस कैपिटल को लेके, टोरेंट पावर और अदानी हिंदुजा ग्रुप का जो अपडेट है। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोरेंट पावर जो है, यहाँ पे आप जो है टोरेंट हैज गॉट एन इंटरिम स्टे फ्रॉम एनसीएलटी। तो टोरेंट पावर ने क्या किया था, आरबीआई के पास एक लेटर लिखा था जहाँ पे बताया गया था कि टोरेंट पावर जो है विनर था रिलायंस कैपिटल को मतलब खरीदने के लिए एज ए बीडर, टोरेंट पावर ही विनर था। बट उसके बाद क्या हुआ, हिंदुजा ग्रुप बीच में आया और हिंदुजा ग्रुप ने 9,500 करोड़ का ऑफर कर दिया रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे जो अभी देखने को मिल रहा है एनसीएलटी ने जो है फिलहाल के लिए इंटरिम मतलब थोड़ा समय के लिए जो टोरेंट का जो ये खरीदने का एक एज ए बीडर विनर हुआ था उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। मुंबई इन द रिलायंस के ये जो है मुंबई द रिलायंस कैपिटल रेजोल्यूशन प्रोसेस एज द सीओसी इन इट्स मीटिंग ऑन ट्यूजडे डिस्कस द रेजोल्यूशन प्लान्स ऑफ द बीडर्स। तो यहाँ पे सीओसी जो है अभी मजबूर हो गया है सोचने के लिए कि किसको ये रिलायंस कैपिटल दिया जाए, हिंदुजा ग्रुप या फिर टोरेंट पावर। लीगल एडवाइज में से देख सकते हैं आप एजीबी पार्टनर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड लुथरा फॉर द सीओसी ऑब्जर्व दैट टोरेंट एंड हिंदुजा ग्लोबल आईआईएचएफएल रेजोल्यूशन प्लान्स आर लीगली नॉन कंप्लायंट विद द आईबीसी एंड अदर लॉज। फाइनेंशियल एडवाइजर डेलोटी एंड केपीएमजी कंप्राइजेस ऑब्जर्व दैट द अपफ्रंट कैश of torrent was only 3,750 crore as against the IIHLS offers of rupees 9,000 crore cash upfront। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेल हो रहा है हिंदुजा ग्रुप से वो ये है कि हिंदुजा ग्रुप 9,000 करोड़ कैश में देने के लिए जो है यहाँ पे बोला है रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप 9,000 करोड़ कैश में देगा। और वही देखेंगे तो टोरेंट पावर के ओर से सिर्फ 3,750 करोड़ दिया जा रहा है रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए। टोरेंट्स डिफर्स पेमेंट्स ऑफ 3 to 5 years इज विदाउट टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेट गारंटीड ऑफर इन द फर्स्ट राउंड एंड जीरो इंटरेस्ट। तो टोरेंट ने यहाँ पे क्या किया था, क्योंकि अगर देखेंगे जब ये बिडिंग कंप्लीट हो रहा था कोई भी ऐसा और कंपनीज नहीं था जो इतना बड़ा ऑफर लगा दिया था रिलायंस कैपिटल पे बिडिंग पे, जहाँ पे 8,750 करोड़ जो भी टोरेंट पावर का ऑफर था इतना दिया जाए। तो टोरेंट पावर ने क्या सोचा, यहाँ पे जो है 3,750 करोड़ अपफ्रंट कैश देगा रिलायंस कैपिटल को और उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचा रहेगा वो 3 से 5 साल के अंदर विदाउट इंटरेस्ट मतलब कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा और वो पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके जो भी बचा रहेगा वो थोड़ा थोड़ा करके देता रहेगा इंटरेस्ट के बिना। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तभी अगर देखेंगे तो जैसे कि और कोई ऐसा बीडर नहीं था मतलब और कोई ऐसा नहीं था कंपनीज जो इतना बड़ा ऑफर दे, तो उस समय जो ये बिडिंग प्रोसेस ई ऑक्शन के जरिए कंप्लीट हो रहा था तो टोरेंट पावर ही सबसे बड़ा जो है ऑफर किया था, टोरेंट पावर को एज ए विनर बताया गया था। तो फिलहाल अभी क्या हुआ है, यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप आया है और हिंदुजा ग्रुप ने बताया कि भाई हम तो 9,000 करोड़ देने के लिए रेडी है रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए। तो हिंदुजा ग्रुप यहाँ पे 9,000 करोड़ अप फ्रंट कैश देने के लिए रेडी है, तो इसीलिए जो सीओसी अभी जो यहाँ पे सोच रहा है कि किसको दिया जाए। टोरेंट ऑल्सो वांट्स द सीओसी टू अलाउ इट ए चेंज ऑन द रिलायंस कैपिटल एसेट्स ऑफ डिफर्ड। आप देख सकते कि द सीओसी विल एंगेज विद द बीडर्स फॉर कंप्लायंस। तो जो बीडर है, दो बीडर है अभी यहाँ पे, टोरेंट पावर हो गया
और यहाँ पे जो है हिंदुजा ग्रुप हो गया, तो हिंदुजा ग्रुप और टोरेंट पावर ये दोनों का जो है दोनों बीडर है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल अभी टोरेंट पावर के साथ और हिंदुजा ग्रुप के साथ सीओसी जो है एक मीट करेगा, बात करेगा कि इसको लेके जो आगे और कैसे कंप्लीट किया जाए ई ऑक्शन के प्रोसेस या फिर इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को रिलायंस कैपिटल का। इट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू फाइल एन एक्सटेंशन एप्लीकेशन विथ द एनसीएलटी टू एक्सटेंड द रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीटेशन टाइमलाइन फ्रॉम जनवरी 31 टू फेब्रुआरी 15। तो यहाँ पे सीओसी जो है और एक एप्लीकेशन देगा अभी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है रिलायंस कैपिटल का, उसको एक्सटेंड करने के लिए जो कि था 31 जनवरी से जनवरी को, और वो बढ़ा के करेगा अभी फेब्रुआरी 15 तक। ऐसा फिलहाल यहाँ पे अपडेट है। तो दोस्तों अभी तक का जो अपडेट लग रहा है यहाँ पे देखने को, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हिंदुजा ग्रुप के पास ही रिलायंस कैपिटल जाए। अब भी कोशिश कीजिए कुछ भी अपडेट रहेगा तो इसके बारे में शेयर करने के लिए। आपका क्या लगता है रिलायंस कैपिटल को लेकर जरूर एक बार देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कैपिटल को लेकर क्या अपडेट है, रिलायंस कैपिटल के शेयर में चल रहा है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।